नमस्कार दोस्तों, रिच क्वेश्चन एकेडमी में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। और एनसीईआरटी के सेक्शन में हम लोग अर्थव्यवस्था पर चर्चा कर रहे हैं और इसके अंतर्गत हम लोग कक्षा 10 के टॉपिक आर्थिक विकास की समझ के अंतर्गत आज जो टॉपिक निर्धारित किए हुए हैं वो है अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र। अर्थव्यवस्था बेसिकली विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में क्रियान्वित की जाने वाली आर्थिक गतिविधियों के परिणाम स्वरूप होने वाले प्राप्तियों और उन सभी क्षेत्रों में किए जाने वाले व्यय के जो है आंकड़ों का एक समुच्चय है, क्योंकि अर्थव्यवस्था जो है आर्थिक क्रियाओं के आधार पर संचालित होता है। परंतु अर्थव्यवस्था एक बहुआयामी जो गतिविधि का क्षेत्र है, जहां पर विभिन्न प्रकार के विभिन्न दायरों में विभिन्न क्षेत्रों में कार्य किए जाते हैं। तो उन सभी क्षेत्रों को मूल रूप से मोटे आधार पर अगर देखा जाए तो तीन क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। और इन तीन क्षेत्रों को जो है प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र में जो है बांटा गया है। अर्थव्यवस्था को जो है तीन आर्थिक क्षेत्रों में जो है विभाजित किया गया है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। इन तीनों क्षेत्रों में इसको वर्गीकृत किया गया है। अब हम एक एक करके अर्थव्यवस्था की इन क्षेत्रों को समझने का प्रयास करेंगे कि इनमें किस तरीके के कार्य संपादित किए जाते हैं और कौन कौन से विषय इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। प्राथमिक क्षेत्र, जब हम या मानव के ऐसे आर्थिक गतिविधि जहां पर प्रारंभिक स्तर पर या प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, वो समस्त क्षेत्र जो है वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अब यहाँ पर एक शब्द प्रयोग में लाया जा रहा है कि प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके। तो प्राकृतिक संसाधनों में भूमि है, जल है, वायु है, तापमान है, वर्षा, इन सभी कारकों का प्रयोग करते हुए इन सभी फैक्टर्स के आधार पर हम वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। तो अब यहाँ पर ये देखना है कि ये अगर मुख्य रूप से देखा जाए तो ये क्षेत्र यहाँ पर दिखाई पड़ता है कृषि के रूप में, क्योंकि कृषि में इन्हीं सभी जो है कारकों का प्रयोग किया जाता है। इसीलिए इसे जो है प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी जाना जाता है। अभी एक और क्षेत्र के नाम से जाना जाता है जो हम इसको व्याख्या करने के बाद जो है आपको बताएंगे। तो कृषि के अंतर्गत जैसे मान के चलिए कि कपास का उत्पादन किया जा रहा है, भाई भूमि की भी आवश्यकता है, तापमान की आवश्यकता है, जल की आवश्यकता है। तो इन सारी चीजों के आधार पर कपास की खेती की जाती है और कपास जो है एक कृषि जो है उत्पाद है। तो यहां पर जो है परिभाषा इसकी बनी कि प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करते हुए हम जब किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो वह क्षेत्र प्राथमिक या प्राइमरी सेक्टर कहलाता है, जिसमें ज्यादातर जो है ज्यादातर आर्थिक गतिविधियां कृषि कार्यों के इर्द गिर्द घूमती हैं। इसीलिए प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। अब यहां पर यह ध्यान में रखना है कि चूंकि कृषि एक ऐसा क्षेत्र है जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में आर्थिक गतिविधि का केंद्र है और इसके साथ में पशुपालन भी होता है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के जो है पूरक होते हैं। क्योंकि कृषि से हमें पशुपालन में मदद मिलती है और पशुपालन से हमें कृषि में मदद मिलती है, जैसे वहां से हम कंपोस्ट खाद इत्यादि जो है बनाने का कार्य करते हैं, वहां से जो है हम खेती के लिए खेती को उर्वरक बनाने के लिए जो है उसके गोबर का प्रयोग करते हैं। तो इस तरीके से हम कृषि में जो है उसकी भूमि को उपजाऊ बनाते हैं। इसी तरीके से पशुपालन के माध्यम से हमें अगर देखा जाए तो परिवहन के लिए विभिन्न प्रकार की गाड़ियों, परंपरागत रूप में इसका ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। खेती की जुताई के लिए जो हम बैलों का प्रयोग करते हैं, यद्यपि आज के डेट में इसमें ट्रैक्टर और अत्याधुनिक यंत्रों का प्रयोग जो है किया जा रहा है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये पूरक के रूप में बना हुआ है। और कृषि से जो है विभिन्न प्रकार के जो चारा जो है कि जानवरों के जो है प्रयोग में लाया जाता है। तो इस तरीके से दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और कृषक आसानी से ये दोनों काम कर पाते हैं, इसलिए कृषि के साथ में जो है पशुपालन भी जो है यहाँ पर जुड़ा हुआ है। पशुपालन के साथ में जो है मुर्गी पालन भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं जो है छोटे स्तरों पर संपन्न होता है। वानिकी भी इसके अंतर्गत जो है आती है,
खनन भी शामिल किया जाता है और उत्खनन। इस तरीके से ये गतिविधियां जो है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं, खनन और उत्खनन। जब हम ऊर्ध्वाधर खुदाई करते हैं किसी पे, जैसे 5 फीट के अगर व्यास में जो है गहराई में खुदाई करना हो तो वो खनन कहलाएगा, लेकिन उत्खनन जो है अगर हम 2 फीट की गहराई में आगे जमीन पर समतल देखा जाए कि 25 फीट 30 फीट तक जो है खुदाई करते हैं और केवल 2 फीट की गहराई लेते हैं तो वो उत्खनन कहलाता है। ये दोनों ही गतिविधियाँ कहीं ना कहीं प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो अब ये सारी गतिविधियाँ जो है प्राथमिक क्षेत्र में आती हैं, लेकिन मुख्य रूप से कृषि ही इस क्षेत्र में आता है। तो इसीलिए एक तीसरा नाम इसको दिया गया है, तीसरा नाम दिया गया है कृषि यौम संबद्ध क्षेत्र। कृषि यौम जो है संबद्ध क्षेत्र। तो यहां पर जो है 3 बातें निकल करके सामने आई, प्राथमिक क्षेत्र या कृषि यौम संबद्ध। कृषि छोटा है, कृषि यौम संबद्ध जो है वो प्राथमिक क्षेत्र के बराबर होता है। तो इस तरीके से प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आता है। इसमें बेसिकली ऐसे कार्य किए जाते हैं जिसमें मानव आसानी से कर सकता है, जिसमें किसी तकनीक की जरूरत नहीं, किसी मशीन की जरूरत नहीं है। ज्यादातर प्राकृतिक या प्रकृति प्रदत्त साधनों का प्रयोग करते हुए हम लोग यहाँ पे आर्थिक गतिविधियों का संचालन करते हैं और विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का प्राथमिक स्तर पर उत्पादन करते हैं। तो ये सारी गतिविधि क्या कहलाती है? प्राथमिक क्षेत्र। अब हम आते हैं द्वितीय क्षेत्र पर। द्वितीय क्षेत्र मानव की उन आर्थिक गतिविधियों का नाम है या उन आर्थिक गतिविधियों को सम्मिलित किया जाता है जहां पर प्राथमिक स्तर पर उत्पादन किए गए वस्तु के स्वरूप में परिवर्तन करके नए वस्तु का निर्माण किया जाता है। अब यहां पर चूंकि निर्माण की प्रक्रिया पुनः होती है, एक बार उत्पादन हो चुका है, इसीलिए इसको विनिर्माण क्षेत्र भी जो है कहा जाता है। इसे जो है विनिर्माण क्षेत्र भी कहा जाता है, यानी कि प्राथमिक स्तर पर उत्पादित वस्तुओं के स्वरूप में परिवर्तन करके पुनः नई वस्तु का जब निर्माण किया जाता है तो वो गतिविधि जो है द्वितीय क्षेत्र कहलाती है। चूंकि इसमें निर्माण की प्रक्रिया पुनः संपन्न होती है, इसीलिए इसे विनिर्माण के नाम से जाना जाता है। इसे मैन्युफैक्चर कहा जाता है, मैन्युफैक्चरिंग इसकी जो है पुनः होती है, तो मैन्युफैक्चर सेक्टर इसे भी जो है कहा जाता है। अब जैसे वहां पर हमने उदाहरण लिया था कपास का, अब यहां पर जो है अगर उसी को देखा जाए तो कपास प्राथमिक क्षेत्र में उत्पादित हुआ, कपास से जो है रुई बनाई गई और इसी से जो है कपड़ा बनाया गया। अब कपड़ा यहां पे मैन्युफैक्चर के अंतर्गत विनिर्माण सेक्टर में जो है आता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि द्वितीय क्षेत्र जो है वो कहीं ना कहीं जो है प्राथमिक क्षेत्र पर आधारित है और उसके माध्यम से नए वस्तु का निर्माण किया। जैसे प्राथमिक क्षेत्र में गन्ने का उत्पादन किया गया, पुनः जो है उस गन्ने के रस का जो है प्रयोग करते हुए चीनी बनाया जाता है। तो चीनी आपका मैन्युफैक्चरिंग के अंतर्गत जो आ जाता है। और ये चूंकि संपन्न ये सारे कपड़ा जो है औद्योगिक रूप से इसका उत्पादन होता है, चीनी जो है चीनी उद्योग होते हैं, इसीलिए एक तीसरा नाम निकल करके आता है जो कहलाता है औद्योगिक क्षेत्र। इसे जो है औद्योगिक क्षेत्र के भी नाम से जानते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है इसके भी 3 नाम निकल के आते हैं, द्वितीयक क्षेत्र, विनिर्माण क्षेत्र और औद्योगिक क्षेत्र के नाम से इसे जाना जाता है। तो ये बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अभी अब हम देखेंगे तृतीयक क्षेत्र। मानव की उन आर्थिक गतिविधियों को जिसके माध्यम से प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र के गतिविधियों में सहायता मिलती है या उनके विकास में सहयोग किया जाता है, वो क्षेत्र जो है तृतीयक क्षेत्र कहलाता है। या इसे यूं कहा जाए कि मानव की वे आर्थिक गतिविधियां जो स्वयं वस्तुओं का उत्पादन तो नहीं करती हैं परंतु वो प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में मदद करती हैं, वह क्षेत्र जो है कहलाती है तृतीयक क्षेत्र। चूंकि इसके अंतर्गत जैसे मान के चलिए अभी इसको उदाहरण के रूप में देखा जाए कि जब किसी भी क्षेत्र में कृषि का जो है उत्पादन, कृषि के अंतर्गत अनाज का उत्पादन होता है, अगर मान लीजिए एक उदाहरण लिया जाए, ग्रामीण क्षेत्र में एक किसान है रामू नाम का जिसके पास जो है 5 हेक्टेयर जमीन है,
अब इस 5 हेक्टेयर जमीन में अगर वो गेहूं की खेती करता है और उसके पास लगभग मान के चलिए कि 200 कुंटल जो है गेहूं अतिरेक बनता है, अतिरेक का मतलब खाने के अलावा, जिसे वो बेच सकता है। अब ये जो है इसे जो है बेचने के लिए मंडी ले जाता है, तो यहाँ पे परिवहन एक फैक्टर आता है जो कि परिवहन उत्पादन तो नहीं करता लेकिन इस प्राथमिक कार्यों में मदद करता है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने में। तो परिवहन कहीं ना कहीं तीसरी तृतीय क्षेत्र में आता है और ये परिवहन सेवा उपलब्ध करवाता है, परिवहन की सेवा उपलब्ध कराता है। वहाँ पे खाद्यान्न जहाँ पे ले जाके रखा जाता है वहाँ भंडारण की भी व्यवस्था होती है। तो ये भंडारण जो है इसमें भी वस्तु का उत्पादन नहीं हो रहा लेकिन वो प्राथमिक क्षेत्र की उत्पादित वस्तुओं को संरक्षित करता है, उसे सुरक्षित करता है, इसलिए ये तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है भंडारण। परिवहन हो गया भंडारण, तो ये कहीं ना कहीं देखिए कृषि से जो है जुड़ा हुआ है। तो इस तरीके से तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत मानव की उन आर्थिक गतिविधियों को शामिल किया जाता है जो प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र के विकास में योगदान देता है, अर्थात यहाँ पर उत्पादन तो सीधे नहीं होता है लेकिन वो प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र में उत्पादन में सहयोग करता है। तो ये गतिविधियाँ आपके इसी क्षेत्र में आती हैं तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत। तो तृतीय क्षेत्र जैसे यहाँ पे प्राथमिक क्षेत्र है उसी तरीके से तृतीय क्षेत्र में काफी कुछ चीजें आती हैं, जैसे अभी हमने बताया परिवहन हो गया, भंडारण हो गया, बीमा हो गया, बैंकिंग हो गया, व्यापार हो गया, या इसी में वाणिज्य भी कह सकते हैं यद्यपि वो इसका एक पार्ट है, पर्यटन हो गया, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज चिकित्सा शिक्षा एवं स्वास्थ्य हो गया। तो ये सारी चीजें जो है वो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आती है, व्यापार वाणिज्य बीमा पर्यटन परिवहन भंडारण, ये सारी गतिविधियां जो सीमाएं उपलब्ध करवाती हैं, इसीलिए इनको जो है अगर देखा जाए एक में तो इसे सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। तो यहाँ पे तृतीय क्षेत्र या ये सेवा क्षेत्र होता है क्योंकि इसके माध्यम से सर्विसेज उपलब्ध करवाने का प्रयास किया जाता है, लोगों के जीवन को बेहतर सुखद और सरल बनाने का जो प्रयास किया जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि प्राथमिक द्वितीयक और तृतीय क्षेत्र की गतिविधियों को समझने में इस व्याख्या के बाद आपको काफी आसानी होगी। अब हम ये देखेंगे कि प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र में काफी कुछ वस्तुओं का उत्पादन होता है, काफी कुछ लोग इसमें जो है कार्य करते हैं। तो दो चीजें हैं, उत्पादन जो हो रहा है उसकी गणना होंगे, उसका सकल घरेलू उत्पाद बनेगा, देश की इकोनॉमी में उसका क्या रोल होगा, और जो लोगों को काम मिलता है वो रोजगार होगा। तो हम दो फैक्टर को इसके अंतर्गत जो कवर करने का प्रयास करते हैं। गणना, विभिन्न क्षेत्रों में जो उत्पादन हो रहा है उनका गणना कैसे किया जा सकता है, यानी कि अर्थव्यवस्था एक बृहद क्षेत्र है, आर्थिक क्षेत्र है जहां पर प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की आर्थिक गतिविधियों का संचालन किया जाता है, लोगों को काम मिलता है उससे उनको आय होता है, और इन सभी क्षेत्रों की गतिविधियां मिलकर के देश के राष्ट्रीय आय का जो निर्माण करती हैं, देश की जीडीपी का निर्माण करती है। तो अब यहाँ एक समस्या उत्पन्न होता है कि इतने बड़े क्षेत्र हैं, इतने बड़े इकोनॉमी में जो है वस्तुओं की गणना कैसे किया जा सकता है बेहद, और निश्चित तौर पर स्वाभाविक रूप में ये काम अत्यंत ही कठिन होगा। तो इसके लिए देश के अर्थशास्त्रियों के माध्यम से एक जो है फार्मूला, एक विकल्प बनाया गया है कि हम वस्तुओं की गणना न करके विभिन्न क्षेत्रों में जितने भी वस्तुओं का उत्पादन होता है उन वस्तुओं के उत्पादन को उसके मूल्य से गुणा करके हम जो है कुल मूल्य का निर्धारण करेंगे, और उस कुल मूल्य का आकार ही जो है जीडीपी कहलाती है, जीडीपी बन जाती है। अभी हम जीडीपी, जीएनपी और एनएनपी, ये तीन फैक्टर हैं जिसे हम थोड़ा सा भी देख लेंगे, यद्यपि ये आज के चैप्टर में शामिल नहीं है लेकिन बार बार पिछले कक्षा में भी हम लोगों ने इस पर चर्चा किया था, तो थोड़ा आसान होगा गणना करने के लिए। तो विभिन्न क्षेत्रों में जो भी तीन सेक्टर हैं,
इन तीनों सेक्टर्स में जो है जितनी भी जो है इकाइयों का उत्पादन होगा, जितनी भी इकाइयों का जो है उत्पादन होगा, उन इकाइयों के जो है मूल्य को मूल्य से इनका गुणा कर दिया जाएगा और जो भी उसका वैल्यू आएगा उन सभी को जो है यहाँ पे जोड़ लिया जाएगा और जो भी डेटा आएगा वो टोटल आपका जो है जीडीपी कहलाएगा। ये चीजें क्लियर होती हैं कि हम जितनी भी वस्तुओं का उत्पादन होगा उन वस्तुओं से उनके मूल्य का गुणा करके उस क्षेत्र के कुल मूल्य को निकालेंगे और इसी तरीके से तीनों क्षेत्र के मूल्य को निकाल करके उन्हें आपस में जो है जोड़ देंगे और जो डेटा आएगा वही जीडीपी कहलाता है और वही जो है देश के आय को निकालने में मदद करता है। यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट चीज को ध्यान में रखना है कि विभिन्न क्षेत्रों में जो वस्तुओं का उत्पादन किया जाएगा उसमें हम सभी वस्तुओं को शामिल नहीं करेंगे, अंतिम वस्तु यौन सेवा, अंतिम वस्तु यौन सेवा। अब ये अंतिम का क्या मतलब है? अंतिम वस्तु या सेवा कहने का तात्पर्य है कि अर्थव्यवस्था में कई वस्तुओं का उत्पादन होता है और कुछ वस्तुएं इस तरीके से भी उत्पादित होती हैं जिनका प्रयोग पुनः दूसरे वस्तुओं के उत्पादन में भी प्रयोग किया जाता है। तो ऐसे पहली बार उत्पादित की जाने वाली वस्तु कतई किसी भी दशा में अंतिम वस्तु नहीं होगा। अंतिम वस्तु अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों से उत्पादित की गई वह वस्तु होती है जिसका कि प्रयोग उपभोक्ता के द्वारा कंजम्पशन के रूप में यूज किया जाता है। कुछ वस्तुएं बात और है कि एक ही बार में समाप्त हो जाती हैं और कुछ वस्तुएं दीर्घकाल तक चलती हैं। तो टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं भी होती हैं और सामान्य रूप से उपभोग वस्तुएं भी होती हैं जिनका कि हम एक बार में प्रयोग कर लेते हैं। लेकिन अभी जैसे रेडियो किसी कस्टमर के द्वारा खरीदा गया स्वयं अपने उपयोग के लिए सुनने के लिए, तो ये भी उपभोक्ता वस्तुएं हो गई लेकिन इसका प्रयोग वो दीर्घकाल तक के लिए करता है। तो ये जो है उसकी क्राइटेरिया होती है अलग अलग प्रकार की होती है, लेकिन ये इस बात पे डिपेंड करता है कि वो उपभोक्ता के द्वारा एक प्रयोग में लाई जाती है अंतिम रूप से, तो वो जो है अंतिम वस्तु है सेवा। और एक बीच की वस्तु होती है जिसे मध्यवर्ती कहा जाता है, मध्यवर्ती वस्तु या सेवा। अब हम जब गणना करेंगे तो हम ऐसे वस्तुओं को शामिल नहीं करेंगे, केवल अंतिम वस्तु या सेवा का प्रयोग करेंगे और ये अंतिम वस्तु और सेवा वही वस्तु या सेवा होती है जो अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादन के बाद सीधा जो है उपभोक्ता के पास चली जाती है। हम इसे शामिल क्यों नहीं करते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो मध्यवर्ती वस्तुओं का जो मूल्य होता है वो कहीं ना कहीं अंतिम वस्तुओं के मूल्य में शामिल होता है, इसीलिए हम मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य को जीडीपी में गणना में नहीं ले आते हैं। अगर इसको भी ले आएंगे तो वहां पर दोहराव होगा और अर्थव्यवस्था का एक क्लियर फिगर सामने नहीं आ पाएगा, इसलिए हम शामिल। अब इसे उदाहरण के रूप में, जैसे गेहूं है 1 केजी है, गेहूं की 1 केजी का मूल्य जो है 20 रुपए है, गेहूं की 1 केजी का मूल्य जो है 20 रुपए है। अब इस गेहूं से जो है आटा या मैदा बना करके बिस्किट बनाया जाता है और उसके जो है एक पैकेट बिस्किट का जो मूल्य है वो अगर 5 रुपए आता है, एक पैकेट पर जो है पैकेट जो है 5 रुपए होता है और इसमें जो है वो 10 पैकेट बनाता है, 10 पैकेट बनाता है, तो ये टोटल जो है 50 रुपए हो गया। तो अब इसी 50 रुपए में ही ये 20 रुपए शामिल है, तो घटाने के बाद बचा गया 30 रुपए। तो 30 रुपए जो है उसके मैन्युफैक्चरर में जो भी ऊर्जा समय विद्युत पारिश्रमिक खर्च हो रहा है इसी में से 30 रुपए में से निकलेगा, क्योंकि 20 रुपए ऑलरेडी उसका इसी में मूल्य निहित है। अब अगर देखा जाए कि हम एक बार 20 रुपए भी जोड़ लें एक बार 50, तो यहाँ पे ये दोहराव हो जाएगा और अर्थव्यवस्था का सही फिगर सामने नहीं आएगा। तो कहने का मतलब ये 20 रुपए जो है वो 1 केजी गेहूं है, तो ये मध्यवर्ती। अब यहाँ पे अगर ये भी संभव है कि गेहूं का वह जो है मात्रा जो सीधे जो उपभोक्ता अपने पास लेकर के और जो है आटा बना के उसको खा लेता है तो वो जो है अंतिम हो जाएगा, तब वो हम जो है उसे मध्यवर्ती वस्तु नहीं मानेंगे। लेकिन यहाँ मध्यवर्ती वस्तु इस आधार पर बन रहा है कि उसके प्रयोग के द्वारा बिस्किट बनाया जा रहा है, इसलिए हम उसके मूल्य को यहाँ पे नहीं जोड़ेंगे। तो ये चीज शायद आपको जो है बेहतर समझ में आ गया होगा, अंतिम वस्तु और मध्यवर्ती वस्तु यहाँ पे फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स के अंतर्गत आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। तो हम यहाँ पे गणना करने में जो है प्रत्येक क्षेत्र के
आइटम को यानी कि वस्तुओं को और उनके मूल्य से गुणा करके टोटल को निकाल करके जीडीपी बनाएंगे और इसकी प्रक्रिया में केवल अंतिम वस्तु और सेवा का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पर हमें देखना है कि वो जीडीपी बन जाता है। अब इसके बारे में थोड़ा सा ये समझ लेना आवश्यक है कि जीडीपी जो है यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या प्रोडक्शन, सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद, ये घरेलू है। घरेलू का तात्पर्य अगर किसी भी देश का जो है आकार ऐसे बनता है तो इसके जो है सीमा क्षेत्र के अंतर्गत जितने भी लोग हैं, जितने भी निवासी हैं, उनके द्वारा जो उत्पादित किया जा रहा है उनके समस्त मूल्य ये कहलाएगा। लेकिन यहाँ पर डी के स्थान पर यन हो जाता है, यन का मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद। यहाँ घरेलू था, यहाँ राष्ट्रीय, राष्ट्र का मतलब क्या होता, उन लोगों से मिलकर बना होता जो नागरिक होते हैं। नागरिक यहां से शब्द प्रयोग आया है, डोमेस्टिक यानी कि जो निवासी होते हैं। तो निवासी और नागरिक में अंतर क्या है कि जो भारत में रह रहे हैं वो सब निवासी हैं, हो सकता है उसमें कुछ ऐसे भी लोग हों जो भारत के नागरिक ना हो, ब्रिटेन के हो, अमेरिका के हो, जो भी हो, तो वो नागरिक होंगे। तो इसीलिए सभी निवासियों के द्वारा जो उत्पादन होता था उसे जीडीपी कहते हैं। लेकिन अब यहाँ पे नागरिकों की बात कही जा रही, तो हो सकता है जो नागरिक बाहर के हैं यहाँ पे काम कर रहे हैं उनके मूल्य को घटा दिया जाएगा, और जो भारत के लोग हैं, जो भारत के लोग हैं और विदेशों में काम कर रहे हैं उनके मूल्य को यहाँ पे जोड़ दिया जाएगा, तब यह जो है राष्ट्रीय हो जाएगा, क्योंकि राष्ट्रीयता हमेशा नागरिकों से होती है। तो ये प्लस माइनस हो जाएगा, तो ये जीएनपी हो जाएगा। अब जीएनपी जो आएगा वो इससे जो है शुद्ध रूप होता है, और इसमें से जो है घिसावट यानी कि डेप्रिसिएशन ह्रास को निकाल दिया जाएगा, तो वो एनएनपी यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट यानी कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद होता है। वो इस बात पर निर्भर करता है कि अर्थव्यवस्था में विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन में कुछ ऐसे मशीनरी का प्रयोग किया जाता है जिसका मूल्य समय के साथ घटता है, और डेप्रिसिएशन का अपना एक जो है फार्मूला होता है कि मान लीजिए किसी भी मशीन की आयु जो है वो 20 वर्ष है, तो निश्चित तौर पर उसके संपूर्ण मूल्य को जो है 5% के आधार पर घटाया जाता रहेगा, यानी कि एक वर्ष के बाद उसका वैल्यू जो है वो अपने मूल्य का 95% अगली बार 90% 85% घटते घटते वो 20वें वर्ष जीरो हो जाता है। तो इस तरीके से जो है उसका मूल्य जो है भी घटा दिया जाता है, और जो बचता है वो एनएनपी होता है, और एनएनपी एट फैक्टर कास्ट इज कॉल्ड नेशनल इनकम ऑफ पर्टिकुलर कंट्री। तो साधन लागत पर जो है जो सकल शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद होता है उसी को हम नेशनल इनकम कह देते हैं। यद्यपि ये टॉपिक आज के इस चैप्टर का नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको ये चीज क्लियर हो सके। अब हम यहां पर ये देखेंगे कि अर्थव्यवस्था के जो विभिन्न क्षेत्र हैं, इन विभिन्न क्षेत्रों का हमारे यहां जीडीपी में, जैसा कि विभिन्न लोगों ने बात किया, जीडीपी और एम्प्लॉयमेंट, में क्या योगदान है, क्योंकि यहां पे विभिन्न प्रकार के वस्तुओं का उत्पादन है जो जीडीपी से है और विभिन्न प्रकार के लोग काम करते हैं जो एम्प्लॉयमेंट से है। तो जैसा कि तीन क्षेत्र थे, हम लोग ये देखेंगे कि कोई भी देश हो जब वह अपनी प्रारंभिक अवस्था में होता है, विकास की प्रारंभिक अवस्था में होता है, तो वहां पर प्राथमिक क्षेत्र जो है उसमें ज्यादा रोजगार भी होता है और उसका अर्थव्यवस्था में ज्यादा रोल होता है। अर्थव्यवस्था के तौर पर जीडीपी से यहाँ पे है। ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि प्रारंभिक अवस्था में किसी भी देश के पास पूंजी कम होती है और तकनीक कम होता है, और ऐसा कि आपको बताया भी गया है कि प्राथमिक क्षेत्र में ऐसी आर्थिक गतिविधियां सम्मिलित की जाती हैं जहां पर प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग किया जाता है, और जाहिर सी बात प्राकृतिक संसाधन वो हैं जो प्रकृति प्रदत्त हैं, तो उसमें पूंजी और तकनीक की ज्यादा जरूरत नहीं होती। यद्यपि उसका प्रयोग करने पर उसके आकार उत्पादन को बढ़ाया जाता है, लेकिन फिर भी अगर प्रयोग ना भी किया जाए तो भी हम कुछ ना कुछ उत्पादन करने में सफल होते हैं। तो ऐसी स्थिति में किसी भी देश के पास प्रारंभिक अवस्था में पूंजी तकनीक इत्यादि नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में उस देश में प्राकृतिक संसाधनों के माध्यम से संबद्ध क्षेत्र का जो योगदान ज्यादा होता है जीडीपी में। तो इसीलिए प्रारंभिक अवस्था में अगर देखा जाए तो कृषि का रोल जो है, कृषि का जो रोल है वो महत्वपूर्ण हो जाता है, और धीरे धीरे उसमें परिवर्तन आता है और द्वितीय क्षेत्र का जो है महत्व बढ़ता है। अब उसे थोड़ा सा इस तरीके से देखा जाए, जैसा कि हमने बताया कि उत्पादन जो है, जैसे वहां पर बताया गया
कि जो है 200 कुंटल जो है उसका उत्पादन था, 200 कुंटल जो है उसका उत्पादन था। अब इस ये अगर उसमें से 20 कुंटल वो रख लेता तो भी 180 कुंटल उसका अतिरिक्त होता है। तो अब इसके लिए जो है व्यापार की गतिविधियां आएगी, इसको बेचने की प्रक्रिया आएगी, इसको ले जाने के लिए परिवहन की व्यवस्था का विकास होगा और इसके बाद जो भंडारण की व्यवस्था होगी, तो ये कहीं ना कहीं तृतीय क्षेत्र के सर्विसेज को बढ़ावा देता है। और द्वितीय क्षेत्र में जैसे प्रारंभिक अवस्था में व्यक्ति को अपने जो है भोजन की केवल बेसिक नीड्स होती है, लेकिन जैसे कुछ समय के बाद जो है वो गेहूं से जो है गेहूं बनाता है और गेहूं के बाद जो है उस पर जो है बिस्किट बनाना प्रारंभ कर देता है, गेहूं से जो बिस्किट बनाना प्रारंभ कर देता है। तो इसका मतलब यह है कि पहले गेहूं से ही काम चलता था लेकिन वो अभी बिस्किट बनाने का काम कर रहा है, जो कि सेकेंडरी सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, और यह द्वितीयक क्षेत्र की गतिविधियों को बढ़ावा देता है। तो प्रारंभिक अवस्था में यह होता है, उसके बाद द्वितीयक क्षेत्र बढ़ता है और फिर जो है तृतीयक क्षेत्र, यह इसका क्रम होता है। धीरे धीरे जो है अर्थव्यवस्था में तृतीयक क्षेत्र जो है बहुत आगे बढ़ जाता है, क्योंकि यह सर्विस सेक्टर होता है, इसकी कोई लिमिट नहीं होती है और वहां पर जो है अर्थव्यवस्था अपने तृतीयक क्षेत्र में सबसे ज्यादा जीडीपी में योगदान करता है। वर्तमान समय में अगर इंडिया की बात की जाए तो वह इसी दौर में है। तो इसका क्रम यही है, प्रारंभिक अवस्था में जीडीपी में कृषि का रोल होता है, उसके बाद विनिर्माण क्षेत्र का बढ़ता है, पुनः जो है तृतीयक क्षेत्र यानी कि सेवा क्षेत्र का बढ़ना शुरू होता है, और जब तीसरे स्थिति में सेवा क्षेत्र बढ़ता है तो पुनः जो है इन दोनों का परसेंटेज कम हो जाता है। यद्यपि ये दोनों बढ़ते हैं लेकिन उतनी तेजी से नहीं बढ़ते जितना तेजी से तृतीयक क्षेत्र बढ़ता है, इसलिए आकार में तो ये दोनों बढ़ते हुए दिखाई पड़ते हैं लेकिन जब हम परसेंटेज की बात करते हैं तो ये घट जाते हैं, ये यहां पर घट जाते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों को ये समझ में आ रहा है कि जीडीपी में प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र का किस तरीके से रोल और योगदान होता है। अब इसे अगर हम एक चार्ट के माध्यम से समझने का जो प्रयास करें, अगर एक हम चार्ट के माध्यम से समझने का प्रयास करें तो यहाँ पे हमारे पास 1970 का फिगर है और 2010-11 का फिगर, तो इन फिगर्स को देखने के बाद जो है यह स्थिति स्पष्ट होती है कि किस तरीके से जीडीपी में रोल है। पहले दो फिगर है, एक बार हम उसके आंकड़े को देखेंगे, उसके आकार को देखेंगे, दूसरे में उसके परसेंटेज को भी देखने का प्रयास करेंगे कि 2010 में अगर आप देखेंगे तो 2010 में यह फिगर स्पष्ट होता है कि पूरी अर्थव्यवस्था का जो आकार है वो 10 लाख करोड़ के आसपास बनता है, जीडीपी का आकार है, और वहीं 2010-11 में आकर के देखते हैं तो 50 लाख करोड़ हो जाता है, 50 लाख करोड़ हो जाता है। लेकिन यहां पे पहले जो है ग्रीन है, येलो है, फिर उसके बाद रेड कलर है, जो कि प्राइमरी, सेकेंडरी और तीसरा, इन तीनों ही जो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र को बताने का प्रयास करता है। तो 2010 में आकर के केवल इकोनॉमिक कृषि क्षेत्र का भी रोल जो है वो आकर के 10 लाख करोड़ हो जाता है, जो कि 2010 में केवल 4 लाख करोड़ के आसपास था। तो यहां पर उसका जो उसकी जो वृद्धि है 2010 में आकर के वो 2 गुना से ज्यादा यानी कि 2.5 गुना के आसपास है। लेकिन अगर इस फिगर में देखा जाए कि सेवा क्षेत्र जो है यहां पर जो है केवल 3 लाख करोड़ है लेकिन वहां पर जाकर के 27 लाख करोड़ हो गया, तो अब यहां पर वृद्धि कितनी है, लगभग 8 से 9 गुना है, और कृषि क्षेत्र में केवल 2 गुना वृद्धि हुई। तो यहां पर वृद्धि तो हो रही है, इसलिए जो आंकड़े हैं वो बढ़ रहे हैं, लेकिन ओवरऑल टोटल में जो है सेवा क्षेत्र ज्यादा तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, इसलिए सेवा क्षेत्र का जीडीपी में रोल बढ़ गया है। अब हम इसे जो है परसेंटेज के आधार पर देखते हैं, परसेंटेज के आधार पर देखने पर आपको एकदम फिगर क्लियर हो जाएगा, क्योंकि परसेंटेज हमेशा 100 पे ही होता है। अर्थव्यवस्था चाहे 5 ट्रिलियन हो जाए, चाहे 3 ट्रिलियन हो जाए, चाहे 8 ट्रिलियन की हो जाए, लेकिन कहीं ना कहीं वो 100 पे ही डेटा को दिखाता है। इसीलिए यहाँ पे हम जो 2010 में आंकड़े को कृषि क्षेत्र में देखते हैं तो वो काफी कुछ ऊपर होता है, लेकिन यहाँ पर जब 2010 में आकर के देखते हैं तो उसका आकार घटा है, क्योंकि हम 100 पे परसेंटेज को देखते हैं। लेकिन जब हम पहले वाले फिगर में आंकड़े को टोटली देखते थे तो वहां पे कृषि क्षेत्र भी बढ़ा हुआ था, लेकिन जब परसेंटेज में देखते हैं तो उसका रोल जो है कम हो गया है, क्योंकि वहां पे सेवा क्षेत्र बहुत तेजी से बढ़ गया है और तुलनात्मक रूप से सेवा क्षेत्र ज्यादा आगे बढ़ा है। तो इन दोनों फिगर के माध्यम से आपको ये चीजें क्लियर हो जाती हैं। अब हम जीडीपी के बाद जो एम्प्लॉयमेंट को देखने का प्रयास करेंगे, रोजगार को देखने का प्रयास करेंगे। तो पहले पहले अर्थव्यवस्था में जैसे रोल ज्यादा होता था, वैसे ही कृषि में जो है रोजगार जो है वो काफी
होता है, कृषि के क्षेत्र में लोगों को रोजगार ज्यादा मिलता है क्योंकि द्वितीय और तृतीय क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियां कम होती हैं या ना के बराबर होती हैं, इसलिए प्रारंभिक अवस्था में निश्चित तौर पर नहीं होगा। लेकिन बाद की अवस्था में ये देखा जा रहा है कि तृतीय द्वितीय और तृतीय क्षेत्र में भी वृद्धि हुई है, लेकिन फिर भी जिस तरीके से जीडीपी में रोल रहा है उस तरीके से रोजगार के क्षेत्र में इसका रोल नहीं बढ़ा है। यद्यपि थोड़ा सा बढ़ा है और कृषि का थोड़ा सा कम हुआ, लेकिन अभी भी कृषि जो है पहले दौर में ही है, यानी कि सबसे ज्यादा भूमिका में है। इसके पीछे रीजन यह है कि द्वितीयक और तृतीय क्षेत्र रोजगार को पैदा नहीं कर पाए जितना उनको करना चाहिए था, जितना उनको करना चाहिए। तब औद्योगिक क्षेत्र में जो है लगभग बढ़ोतरी हुई है, लेकिन तृतीय क्षेत्र में अगर 15 गुना जो है उसका जीडीपी में रोल बढ़ा है तो रोजगार केवल 2 गुना ही वो कर पाया है। तो कहीं ना कहीं सेवा क्षेत्र में रोजगार सृजित नहीं हुआ है, और इसका परिणाम ये हुआ कि जो अतिरेक था, लोगों की अधिक संख्या थी, वो कहीं ना कहीं जो है कृषि क्षेत्र में ही काम करने पर विवश हुई, कृषि क्षेत्र में जो है काम करने पर विवश हुई। इसीलिए इस फिगर के माध्यम से आप लोगों को ये देखने को मिल रहा है कि कृषि क्षेत्र का जो जीडीपी में जो है 13-14% योगदान होने के बावजूद भी अभी भी यहाँ पे जो है 48-49% लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो अब इसका दुष्परिणाम क्या होता है कि कृषि में अगर मान के चलिए कि 2 हेक्टेयर अगर किसी के पास जमीन है, 2 हेक्टेयर जमीन है और इस 2 हेक्टेयर में 5 लोग जो है काम कर सकते हैं आसानी में, किंतु किसी में ज्वाइंट फैमिली में 8 लोग हैं, तो अब ये इसका परिणाम क्या है कि द्वितीय और तृतीय क्षेत्र में काम प्राप्त नहीं किए तो यहां पे जो एक्स्ट्रा 3 लोग हैं वो भी इसी में काम कर रहे हैं। काम 5 लोग ही कर सकते थे, उत्पादन इतने में जो है 2 हेक्टेयर में 25 ही क्विंटल खाद्यान्न उत्पादित हो रहा है, और जब 8 काम कर रहे हैं तब भी जो है वो 25 ही क्विंटल खाद्यान्न हो रहा है, लेकिन यहाँ काम जो है 3 लोग एक्स्ट्रा कर रहे हैं। तो ये 3 लोग जो छिपे हुए भेष में यहाँ पे काम कर रहे हैं वही अर्थव्यवस्था में छिपी हुई बेरोजगारी कहलाती है, अल्प बेरोजगारी कहलाती है, परछन्न बेरोजगारी कहलाती है। जो शुद्ध शब्द इकोनॉमी में इसके लिए प्रयोग में लाया जाता है वो है परछन्न बेरोजगारी। तो आप लोगों को ये चीजें समझ में आ गई कि कृषि में जो है ज्यादा लोग काम कर रहे हैं और ये इनकी बेरोजगारी का कारण है, ये इनके कम आय का कारण है, ये इनके गरीबी का जो है कारण बना हुआ है। तो ये चीजें जो है द्वितीय और तृतीय क्षेत्र में बेरोजगारी या रोजगार ज्यादा सृजित न होने के कारण से कृषि पर अतिरिक्त दबाव होने का जो है ये दुष्परिणाम होता है। अब हम लोग ये देखने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से रोजगार को जो है सृजित किया जा सकता है, हम कैसे जो है रोजगार को सृजित कर पाएंगे। रोजगार को हम कैसे सृजित कर पाएंगे, मान लीजिए किसी भी क्षेत्र में कृषि तो एक प्रारंभिक उत्पादन का क्षेत्र, आर्थिक गतिविधि का क्षेत्र है। अब वहां पर भारत में अभी भी ये जानकारी है कि यहां पे अभी भी बहुत ऐसे भूखंड हैं, यानी कि लगभग 54% के आसपास जहां पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध नहीं है, केवल 46% क्षेत्रों में ही सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। अब वहां के लिए अगर हम बांध बना दें, बांध से नहर बना दें, तो निश्चित तौर पर यह बांध बनाने और नहर बनाने में लोगों को रोजगार मिल जाएगा, बांध पर काम करने वालों को, नहर के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को रोजगार मिल जाएगा। इन दोनों से जो है कृषि में सिंचाई बढ़ेगी जिससे उत्पादन बढ़ेगा, लोगों का आय बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ने से जो है भंडारण बढ़ेगा, परिवहन की गतिविधियां बढ़ेंगी, व्यापार की गतिविधियां बढ़ेंगी। तो कहने का मतलब यह हुआ कि हम कुछ गतिविधियों में परिवर्तन करके इस तरीके के सेवा के क्षेत्र में भी विस्तार कर सकते हैं, लोगों को रोजगार, क्योंकि जब भंडारण होगा तो यहाँ पे भी लोग काम करेंगे और उत्पादन बढ़ेगा तो ऑलरेडी जो है कृषक की आय ऑलरेडी बढ़ेगी। तो कहीं ना कहीं इसके माध्यम से हम लोगों को रोजगार देंगे और लोगों के जीवन को बेहतर बनाने में जो है सफल होंगे। तो ये गतिविधियां क्या होंगे कि रोजगार कैसे मिलेगा इस तरीके से हम बढ़ा सकते हैं। अगले क्षेत्र में हम आएंगे जो है शिक्षा। भारत में लोगों की शिक्षा जो है ग्रहण करने की आयु 5 वर्ष से लेकर के 29 वर्ष,
बेसिकली ये 30 वर्ष में लिखा जा सकता था, लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट डेटा है और ये एनसीईआरटी के पुस्तक में उल्लिखित है और विभिन्न प्रकार के परीक्षाओं में प्रश्नों के सही होने का आधार एनसीईआरटी की बुक्स होती है। तो ऐसी स्थिति में हम इन डेटा को जो है अपने किताबों के माध्यम से ध्यान में रखेंगे और परीक्षा में इसका उल्लेख करेंगे। भारत में जो है शिक्षा ग्रहण करने वाले आयु में से केवल 52% लोग ही अगर देखा जाए तो स्कूलों में जा रहे हैं, शेष 48% लोग स्कूल नहीं जा रहे हैं। अगर हम शिक्षा के क्षेत्र में स्कूल सीधा खोल दें तो कम से कम 20 लाख लोगों को यहाँ पे रोजगार मिल जाएगा। ये पूरी तरीके से एनसीईआरटी का डेटा है जो कि आप निबंध इत्यादि में भी डाल सकते हैं, लिख सकते हैं, इससे अपने उत्तर को आप जो है प्रभावी बना सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि अगर हम शिक्षा के क्षेत्र में स्कूल कॉलेज खोलें तो वहाँ शिक्षकों के रूप में भर्ती होगी, लोगों को रोजगार मिलेगा और शिक्षा एक दीर्घकालिक निवेश है जहां पर हम धन खर्च करके लोगों को कुशल बना सकते हैं, उनके कार्य करने की क्षमता और उनकी गुणवत्ता को बढ़ा सकते हैं। यह केवल शिक्षा क्षेत्र की बात है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में इसी तरीके से, स्वास्थ्य के क्षेत्र में अगर हम अस्पताल खोल देते हैं तो यहां पर जो है डॉक्टर के रूप में जो भर्ती होगी, डॉक्टर जो है काम करेगी यानी कि चिकित्सक, उनकी जो भर्ती हो जाएगी आज की डेट में हमारे यहाँ पीएससी सीएससी जनपद के अस्पताल, इसी तरीके से मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल और ट्रामा सेंटर, कई तरीके की उसकी हायरार्की, वहाँ पर लोग काम कर रहे हैं और इससे लोगों का स्वास्थ्य सही होगा और स्वास्थ्य सही होगा तो उनकी कार्य करने की क्षमता ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। इसी तरीके से परिवहन के क्षेत्र में, पर्यटन के क्षेत्र में, पर्यटन में जो है परिवहन भी शामिल है। तो पर्यटन के क्षेत्र में हम जो है बढ़ावा देकर के यहाँ पे भी रोजगार पैदा कर सकते हैं और देश के इनकम को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि लोग आते हैं उस पर अपना व्यय करते हैं, विभिन्न प्रकार की आर्थिक गतिविधियाँ वहाँ बढ़ती हैं, वहाँ लोगों को रोजगार मिलता है, देश की आय बढ़ाने में यहाँ से मदद मिलता है। तो इस तरीके से रोजगार बढ़ाने के लिए सारी गतिविधियाँ की जा सकती हैं जिससे किसी देश में रोजगार को बढ़ाया जाना संभव हो जाता है। अब हम रोजगार पर अगर चर्चा कर रहे हैं तो रोजगार के दो महत्वपूर्ण क्षेत्रों को हम थोड़ा सा देखने का प्रयास करेंगे कि रोजगार के दो महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, एक जो है संगठित है, एक संगठित क्षेत्र है और दूसरा जो है असंगठित क्षेत्र। इसके पूर्व में भी हम जो है पूर्व कक्षा के एक लेसन का चर्चा करते हुए मैंने संक्षिप्त में बताया था, संगठित क्षेत्र से तात्पर्य जो है उन क्षेत्रों के जो है लोगों के रोजगार को शामिल किया जाता है या रोजगार से होता है जिनका कि सरकार के पास एक लेखांकन होता है, रिकॉर्ड होता है, उनका पंजीकरण होता है, उनके काम के घंटे निश्चित और निर्धारित होते हैं, उन्हें निश्चित वेतन प्राप्त होता है, उन्हें सेवा की या सर्विस की सुरक्षा होती है, इसके साथ साथ न्यूनतम वेतन अधिनियम और कारखाना अधिनियम से ये आच्छादित होते हैं, इन्हें छुट्टियां मिलती हैं, इन्हें चिकित्सा के लिए प्रतिपूर्ति मिलती है। तो ये व्यवस्था होती है ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर या संगठित क्षेत्र, यानी कि लोगों के रोजगार का एक ऐसा क्षेत्र जहां पर उनके व्यक्तिक जो विशिष्टताओं का एक लेखांकन होता है, इसके माध्यम से पंजीकरण होता है, उनके काम के घंटे निश्चित होते हैं, उन्हें निश्चित वेतन दिया जाता है, उनके काम की सुरक्षा होती है और विभिन्न प्रकार के शोषण से बचाने का वहाँ पे एक मैकेनिज्म, एक सिस्टम होता है, ये क्षेत्र संगठित क्षेत्र है। दुर्भाग्य से, इसे दुर्भाग्य ही कहा जा सकता है कि अभी भी भारत जैसे देश में भी जहाँ पे बहुत से कानून बनाए जा रहे हैं, लोगों के हित के लिए काम किए जा रहे हैं, केवल और केवल यहाँ पे 8% लोग, लगभग 8% लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं और असंगठित क्षेत्र में जो है टोटल का जो है 92% लोग जो है काम कर रहे हैं। बहुत बड़ा फिगर है, इसको सुधारने की आवश्यकता है। असंगठित क्षेत्र सीधा इसी का विपरीत होता है कि यहाँ पर बिखरे हुए जो क्षेत्रों में काम किया जाता है, निश्चित वेतन नहीं होता है, नियमित पद नहीं होता है, डेली बेसिस पर काम करते हैं और किसी भी तरीके की कोई काम की गारंटी नहीं होती है, नौकरी कब चली जाए इसकी भी कोई निश्चितता नहीं होती है और सामान्यतः ऐसे लोगों के रिकॉर्ड कहीं पर नहीं। सरकार इनकी बेहतरी के लिए प्रयास अगर करना भी चाहती है तो कोई पंजीकरण नहीं होता, इसलिए सरकार की तरफ से इसमें कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन हमें क्या करना है इस फील्ड में, इसका भी मूल्यांकन करना बहुत ही आवश्यक हो जाता है, क्योंकि देश का एक ऐसा वर्ग जो देश के उत्पादन में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है,
राष्ट्र के निर्माण में उसका इतना महत्वपूर्ण रोल है, तो उसकी बेहतरी के लिए, उसकी सुरक्षा और संरक्षण के लिए निश्चित तौर पर सरकार को कदम उठाना चाहिए, ताकि उनके जीवन को, उनके लिए एक न्यूनतम मूल्य वेतन को जो है दिया जा सके, जिससे वो परिवार, चिकित्सा, शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि पर धन खर्च कर सके। तो ये स्थिति है संगठित और असंगठित क्षेत्र का। तो आज के इस टॉपिक में हम लोगों ने अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को जो है समझने का जो है प्रयास किया। उम्मीद करता हूं कि इन विभिन्न क्षेत्रों के माध्यम से अर्थव्यवस्था के आर्थिक गतिविधियां, रोजगार और जीडीपी में उनके रोल को समझने में आप लोगों को मदद मिलेगी। यद्यपि यह एक बेसिक आधार पर हम लोग पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि यह एनसीईआरटी का चैप्टर है। आने वाले समय में हम लोग अर्थव्यवस्था के सिविल सेवाओं के पाठ्यक्रम पर आधारित जो है लेसन और टॉपिक को कवर करने का प्रयास करेंगे। लेकिन उन स्टूडेंट के लिए जो तैयारी अभी प्रारंभ किए हैं या अभी प्रारंभ करना चाहते हैं, उन दोनों लोगों के लिए यह टॉपिक और इस तरीके का अध्ययन और इस तरीके के अध्ययन का अप्रोच समान रूप से उपयोगी है। तो इस तरीके से आप अपने अध्ययन का रिवाइज कीजिए, इन लेसन पर आधारित आप क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। अगर कोई आपको प्रॉब्लम होती है तो आप जो है इस पर अपनी टिप्पणी जरूर लिखिए, जिससे हमें यह जानकारी मिल सके कि इसमें क्या और सुधार करने की संभावना और गुंजाइश है। ध्यान रहे कि दुनिया में शिक्षा एक ऐसा फील्ड है जो आपके व्यक्तित्व और जीवन को चमका सकता है। यहाँ पर केवल एक मेहनत ही एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर बिना किसी पूंजी के निवेश किया जाता है, और यह जब वापसी करता है तो अपने से सैकड़ों और हजारों गुना लेकर के आता है। समाज में आपकी प्रतिष्ठा बनती है, पहचान बनती है, आय के स्रोत बनते हैं, आपके जीवन स्तर में सुधार होता है। तो मेरा यही संदेश आप लोगों के लिए है कि जब इस तरीके से आप अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, अपने समय का उपयोग करने का प्रयास कीजिए और मेहनत को ही केवल अपने पूंजी के रूप में निवेश का माध्यम बनाइए, और आने वाले समय में अपनी पहचान को समाज के क्षेत्र में सुनिश्चित कीजिए। तो उम्मीद करता हूँ यह टॉपिक आपको समझ में आया होगा। पुनः हम अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों से मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपनी तैयारी एक नई दिशा में करते रहिए। नमस्कार।